आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये वाला पावर सप्लाई है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो जो बन रही है इसमें कोई कहीं पे भी कट होने वाला नहीं है, डायरेक्ट वीडियो आपको बताने वाला हूँ, शुरू से लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सक रहे हैं आप, यहाँ पे 12 वोल्ट 5 एम्पीयर देने वाला एक पावर सप्लाई है। ठीक है, आपके पास कोई सा भी पावर सप्लाई हो सकता है। मेरे पास ये कैमरे का पावर सप्लाई है, मैं इसको पावर देने के लिए एक स्विच का इस्तेमाल करता हूँ। बट उससे पहले इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है। मेरे को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप वीडियो को, मेरे को प्रॉब्लम ये आ रहा है इसमें कि जैसे कि यह है कितना 5 एम्पीयर का और 12 वोल्ट का, बट इसमें एम्पेयर तो मैंने चेक नहीं किया, बट वोल्टेज जो है मेरे को कभी 7 वोल्ट दे रहा है, कभी 6 वोल्ट दे रहा है, कभी 5 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसी को हम आज बनाने वाले हैं। तो सिंपली 1 मिनट के अंदर आपका ये वाला पावर सप्लाई है जो बन के रेडी हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे आपको जानकारी वाली बातें बताई गई है, कहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम वाली बात मतलब बिना मतलब वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, देख सकते हैं मैंने इसमें पावर दे दिया, बट आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है, आपको दिख रहा होगा ब्लिंक कर रही है। तो ऐसी कोई सी पावर सप्लाई हो, देख सकते हैं आप ये सारे हैं इधर के इधर कंपोनेंट, अगर कोई ख़राब है तो आप कंपोनेंट चेंज कर दे, बट अगर कंपोनेंट ख़राब नहीं है फिर भी आपका ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, देख पा रहे हैं आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर कोई फूटा उटा है तो कहीं पे चेंज कर दे, बट अगर कहीं पे फूटा नहीं है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, मैं प्रॉब्लम आपको दिखा दे सकता हूँ। ये है मेरे पास, देख सकते हैं आप ये मेरे पास है, यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर ले आया है। ठीक है, मल्टीमीटर लाने के बाद आपको इसको मैं 12 वोल्ट पे रख लेता हूँ, क्योंकि पहले हम यहाँ पे 200 वोल्ट पे रख के देख लेते हैं कि इनपुट कितना आ रहा है। ठीक है, इनपुट देखने के लिए हम दोनों क्रॉप को यहाँ पे एसी पास रखेंगे, तो यहाँ 207 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना हो गया कंफर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे डीसी वाला करंट, डीसी करंट तो अपना सही आ रहा है। डीसी करंट को अपन 20 वोल्ट पे चेक कर लेंगे, क्योंकि 12 वोल्ट से कम है। ठीक है, तो आपको दोनों क्रॉप को यहाँ पे लगा लेना है। दोनों क्रॉप को लगाने के बाद मैं आपको प्रॉब्लम भी सेम सॉल्व करके बताऊँगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। दोनों क्रॉप को लगा लिया, बट यहाँ पे वोल्टेज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 6 वोल्ट दिखा रहा है, बट ये है कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का। ठीक है, तो इसको हम देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कितना, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, मतलब वोल्ट अब ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। तो आप इस टाइप से कोई सी भी पावर सप्लाई हो, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं इस टाइप से ये रहती है। ठीक है, तो इसको आपको करना ये है, इस टाइप से आप पेचकस ले लीजिए, पेचकस की बीट इस टाइप से वाली बीट रहेगी, माइनस वाली बीट को आपको सिंपली यहाँ रख के यहाँ पे ऐसे घुमाना है। ठीक है, घुमाना है, वहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज चेंज होते रहेगा। तो वोल्टेज जब तक आपका ठीक ना हो जाए, तो दोनों साइड में आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, अभी 10 वोल्ट गया था यहाँ पे, जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, 6 वोल्ट आया, वोल्ट यहाँ से चेंज होगा। आप मल्टीमीटर देख सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट अभी आ चुका है। ठीक है, 13 वोल्ट है, हमको 12 वोल्ट चाहिए। तो आप इस टाइप से एडजस्ट करके यहाँ पे अपना 13 अप्रॉक्स 14 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हमको पावर सप्लाई में 14 वोल्ट लेने जो है वो सफिशियंट रहेगा। ठीक है, अपन इससे काम कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपने पावर सप्लाई को बना सकते हैं। यहाँ पे वीडियो में कोई भी कट नहीं है, वीडियो आप पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा एक बार, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, तो क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी टैक्स से रिलेटेड।